यदि लोगों में कोई झगड़ा हो और वे न्याय कराने के लिए न्यायालय जाएं, तो न्यायाधीश निर्णय करेगा। वो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी घोषित करे। यदि दोषी मनुष्य को कोड़ों का दंड दिया जाए, तो न्यायाधीश उसे अपने सामने पिटवाए और उसके दोष के अनुसार कोड़ों की संख्या निर्धारित करे। वो 40 कोड़े तक लगवा सकता है, अधिक नहीं। कहीं ऐसा न हो कि अधिक कोड़ों के कारण तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने नीचा दिखाया जाए। तुम दमरी करते बैल के मुंह पर मोहरा नहीं लगाओगे। यदि कई भाई एक साथ रहते हों और उनमें कोई नी संतान मर जाए, तो मृतक की पत्नी का विवाह परिवार से बाहर के किसी पुरुष से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाए और नियोग की प्रथा के अनुसार उसके साथ विवाह करे। उसका पहला पुत्र उसके मृत भाई का पुत्र माना जाएगा, और इस प्रकार इज़राइल में उसका नाम लुप्त नहीं होगा। यदि वो व्यक्ति अपनी भाभी से विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नगर के फाटक पर नेताओं के पास जाकर ये कहे, मेरा देवर अपने भाई का वंश इज़राइल में चलने नहीं देता। वो नियोग की प्रथा के अनुसार मेरे साथ विवाह करना अस्वीकार करता है। नगर के नेता उसे बुलाकर इस विषय में उससे पूछताछ करें। यदि वो हठ करते हुए कहे, मैं उससे विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नेताओं के सामने उसके पास जाए, उसके पैरों से जूते उतारे, उसके मुंह पर थूके और कहे, उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है जो अपने भाई का वंश चलने नहीं देता। इज़राइल में उसका ये नाम रखा जाएगा, वो व्यक्ति जिसके जूते उतारे गए। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करें और किसी पुरुष की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथों से छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसका गुप्तांग पकड़ ले, तो उसका हाथ काट डाला जाए, तुम उस पर दया नहीं करोगे। तुम अपनी थैली में दो प्रकार के बाट, एक हल्का और एक भारी, नहीं रखोगे। अपने घर में दो प्रकार के नाप नहीं रखोगे, अर्थात घट बढ़ नाप के तुम्हारे बाट नाप आदि पूरे पूरे ठीक ठीक तौल के और पूरे पूरे ठीक ठीक नाप के हों, जिससे तुम उस देश में दीर्घायु हो सको जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। प्रत्येक जो ऐसा करेगा, प्रत्येक जो अन्याय करेगा, वो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित होगा। अमालेकियों ने तुम्हारे साथ मिस्र से निकलते समय जो कुछ किया था उसे याद रखो। उन्होंने तुम पर उस समय आक्रमण किया जब तुम यात्रा करते करते थके मांदे थे, और उन्होंने तुम में उन लोगों को जो पीछे रह गए थे तुम से अलग कर दिया। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे, इसलिए जब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने आसपास के सब शत्रुओं से छुड़ाकर उस देश में शांति प्रदान करे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है, तो तुम आकाश के नीचे अमालेकियों की स्मृति मिटा दोगे, तुम ये नहीं भूलोगे।